हेलो फ्रेंड, अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी जानना है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। आप अपने कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कीजिए ताकि आपका फास्ट कैलकुलेशन हो सके। क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है या मेंस निकालना है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसमें लर्न करना होगा आपको टेबल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये तीनों बहुत मस्ट है क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये तीनों चीज को याद रखें। इसमें दो सेक्शन होते हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के। मैथ में सबसे पहले इसमें सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। हर दिन कम से कम 30 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। इसमें मॉडरेट टू इजी लेवल के मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं कलर के प्रीलिम्स में, जिसमें SI, CI, रेशियो, एज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। और एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन सबसे रहते हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर रहेगा और आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इसमें फोर्थ में आ जाएगा आपका, प्रैक्टिस कीजिए DI पे, क्योंकि DI में भी 5 से 10 क्वेश्चन रहते हैं और बहुत ईजी लेवल के रहते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। रॉन्ग और मिसिंग सीरीज भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, दोनों में से एक हो सकते हैं, तो 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से रोज 15 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा तो वहां पे 5 क्वेश्चन ईजी है सॉल्व करना। अब सेकंड में हम रीजनिंग में आते हैं, तो इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके रखेंगे तो कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा और ज्यादा क्वेश्चन भी कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। आप पजल की प्रैक्टिस हर दिन कीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। पजल में बहुत सारे आ जाते हैं, सर्कल बेस्ड हो जाता है, स्क्वायर बेस्ड हो जाता है, फ्लोर बेस्ड होता है, डे बेस्ड होता है, मंथ बेस्ड होता है। मिसलेनियस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। इन तीनों से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 5-5 क्वेश्चन। तो आप इनकी प्रैक्टिस हर दिन कम से कम 30 क्वेश्चन कीजिए ताकि आपका स्पीड बढ़े रीजनिंग में। और यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ताकि आपको पुराने क्वेश्चन से आइडिया मिल सके कि कलर के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कितनी जल्दी अटेम्प्ट करना है। 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए क्योंकि मेंस में आपको ये काम देगा। सॉल्व कीजिए क्विज जितना आप कर सकते हैं, हर दिन सॉल्व कीजिए। और आपका जो अड्डा 247 से, प्रैक्टिस मॉक से, प्रीवियस मॉक से, इससे आपको सारे क्विज मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।